शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के करा ना सबने, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं रात में एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर में जितना मन बन जाए कि एक पहर पूजन करूंगी, मैं दो पहर करूंगी। कल्पना ने कितनी पहर की पूजन करी, जम के बोलो जरा, एक पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन, इसको क्या कहा गया है, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कुमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं, तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो एक पहर का करते हो तो एक पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, दो पहर का करते हो तो दो पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, तीन पहर का चार पहर का करते हो तो चार पहर का करने के बाद विसर्जन कर। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो, रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया हो, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं, पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देव अधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो एक पहर, चाहे तो दो पहर, चाहे तो तीन पहर, चाहे तो चार पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठ कर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है, सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है। डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता, पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें,
एक